Hey guys, what's up? How are you guys? I hope you guys are having an amazing day. And if you're not, then make sure you're amazing. Welcome back. देखो same intro. 8 साल 9 साल पुराने पहले vlogs थे ये. मेरी बात है सबसे ज्यादा अगेंस्ट अबू थे वीडियोस बनाने के मेरे. ना मैंने जब पहली वीडियो नहीं जब मैंने पहली वीडियो डाली थी अबू ने मुझे बिठा के ये क्या कंजर पोना है तू क्या कर रहा है भाई ये कौन पागल है इतनी धूप में स्विमिंग कर रहे है? भाई पागल पागल हो गए क्या आने के लिए. बाहर धूप देखो भाई अंदर थोड़ी धूप है काला हो जाएगा ये मैं बता रहा हूँ. नहीं है ना पानी में अभी काम कर रहा जैसे पहले कर रहा था. क्या कर रहा था भाई अगर मजबूरी में बंदे को सर्वाइवल करना पड़े. हाँ तुम्हें स्विमिंग पूल में क्या मजबूरियाँ नहीं हाथ बंधे हो बंदे के फिर तुम्हारे हाथ बांध के तुम्हें कौन फेंकेगा. अच्छा जी हाथ बंधे में है इस तरह आप सरवाइव कर सकते हैं. सांस कैसे लेंगे कितनी देर वो तो बड़ा स्विमिंग पूल हुआ तो फिर क्या करेंगे एंड तक ना पहुंचे फिर है भाई बड़ा स्विमिंग पूल हुआ बंदा एंड तक ना पहुंचे फिर खड़ा हो सकते हैं. तो खैर उसी के साथ अस्सलाम वालेकुम ए जी अ जी ल जी सुन जी वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग. क्या हाल है आप सबका ठीक है खैरियत से हैं खुश हैं होप आप सबका दिन बहुत अच्छा गुजरा. अगर आपका दिन अच्छा नहीं गुजरा डोंट वरी जेबी और कुकिंग विद अम्मी आ चुके हैं एक नए मजेदार अमेजिंग व्लॉग के साथ. अम्मी आज बनी हुई है पैरट बट अभी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर में इसको कलर का देख पैरट कौन से कलर का. अभी अभी थोड़ी देर तक दिखाता हूँ जरा मास्टर पहन पैरट तो वो बैठा है येलो कलर के भी तोते होते हैं अम्मी वो छोटे छोटे हाँ है ना वो छोटे 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 तो अभी आपको दिखाते हैं. खैर तो लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो व्लॉग स्टार्ट करते हैं फिर बाद में मिलते हैं. अभी दिखाओ अभी दिखाओ फेस अभी हां फेस अभी हां करना कितने लाइक आते हैं तेरे YouTube पे. नॉर्मल पता नहीं डिपेंड करता है 200 300 500 लाइक आए वीडियो पे जमाल गुजर को बड़े स्विमिंग पूल पे लेके जाके स्विमिंग में वहां पे चैलेंज करेंगे हम तीनों में से कौन जीतेगा. भाई बड़े स्विमिंग पूल में डूब जाएंगे कह रहे 500 लाइक्स आ जाएं तो बड़े स्विमिंग पूल में. हां फ्लोट करना नहीं आता. हां फ्लोट करना था. हां तो फिर जिस स्विमिंग पूल में भी चले जाओ समंदर पे जाके स्विमिंग पूल है उसमें भाई 500 लाइक्स आए तो कह रहे ओलंपिक स्विमिंग पूल में जाके रेस लगाएंगे. हजार आए फिर अम्मी को स्विमिंग पूल में घुसा. ओह हजार आए अम्मी को हटा के उसमें फेंक देना. ये तो नहीं एक बार मेरे साथ घुसे उस किनारे तक गई अम्मी इसमें व्लॉग में भी आती थी आटे वाली मशीन अभी भी वही है. इस व्लॉग में सब आते थे भाई उस टाइम व्लॉग्स में अम्मा भी आती थी पर अम्मा क्या डिफरेंट थी उस टाइम. हालांकि अब ये व्लॉग सारे प्राइवेट हैं बट अभी हम वैसे ही बैठे हुए देख रहे थे. भाई ये मेरे व्लॉग की इंट्रो होती थी जे व्लॉग्स मेसी का नंबर था तब फैन तब मेसी का फैन था मैं. आठ साल नौ साल पुराने पहले व्लॉग्स थे ये डेली व्लॉगिंग करता था तब मैं डेली नहीं कभी कभी इससे 3 साल पहले 2-3 साल नहीं 4-5 साल पहले इससे तू इतना मोटा कपला था एक दफा. ये तेरे हाथ पे क्या हुआ भाई तुम याद तुम्हारा ही दिया हुआ निशान है.
मेरा दिया वो निशान इसने ग्लास तोड़ा था मारा था तुझे बचपन में मारा था अभी तक निशान है उसका तो बड़ा बदतमीज है भाई ये शर्ट मेरे पास भी है एक ब्लॉग हमें करना चाहिए सारे पुराने ब्लॉग्स के ना रिएक्शन करें देख के साथ लगा के ना उनके रिएक्शन करें कभी आप लोग बताओ देखना चाहोगे आप लोग उसमें मम्मी भी आएंगी सारी फैमिली आती थी उन ब्लॉग्स में तब हम इतने ओपन माइंडेड तब हम इतने ओपन माइंडेड थे सब आते थे हम सब आते थे और कोई रोला नहीं था अब जब अम्मा सिर्फ आने लगी फिर फैमिली के बड़े रोले थे कहाँ कहाँ से फोन आते थे रोले बड़े रोले थे फिर बंद कर दिया लेकिन उस वक्त मैं अगर अब जो हूँ अब होती ना उस वक्त तो मैंने कभी तुझे बंद नहीं करने दी साबित कदम रहना चाहिए छोड़ दो उन लोगों को छोड़ दो जो आपकी टांग खींचते हैं मेरी बात है सबसे ज्यादा अगेंस्ट अबू थे वीडियोस बनाने के मेरे ना 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 मैंने जब पहली वीडियो नहीं जब मैंने पहली वीडियो डाली थी अबू ने मुझे बिठा के ये क्या कंजर पोना है तू क्या कर रहा है हमारे खानदान में लोग हमारी बेइज्जती करेंगे अबू के रिश्तेदार घर बुला बुला के जो बेइज्जतियां करते थे अबू सबसे ज्यादा अगेंस्ट थे कोई गर्लफ्रेंड ऐसी आज तक अल्लाह माफ करे कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी दूसरी बात है मास्क पहन ले तोता जो थी आज आ गई अच्छा येलो तोता कौन सा होता है अब्बू के पास येलो तोते थे ये भी येलो तोता है अब्बू के इन वीडियोस में भी होंगे वो येलो तोते नहीं है इसमें पिंजरा वैसे ये दिखाना वीडियोस कितनी पुरानी है एक मिनट करना तकरीबन 8 साल पुरानी है और 200 व्यूज थे उस पे 200 व्यूज लेकिन जब काम चढ़ा तूने छोड़ के बैठ गया था यही होता है ना मैं कहती हूँ कोई आपको कामयाब होता नहीं देख सकता उस वक्त आपके माँ बाप अगर साथ है ना तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पर यही रोला था ना माँ तो साथ थी अब्बा जान उस वक्त इतने अगेंस्ट थे अब्बा जान कहते थे ये अब्बा की पूरी हाँ ये देखो तुम्हारी बीवी अब तक तो हम इतने मशहूर हो चुके होते मिलियन में होते लेकिन नहीं भाई खानदान का काम क्या है टांग खींचना वो तो अब भी कहीं कहते हैं के बड़े क्या हो गए डिस्को हो गए हो बड़े ये हो गए हो अब हाँ अब्बू को यही फोन आते हैं हाँ। कि सारी अब्बू के रिश्तेदार माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं कुछ कहना चाहेंगे अपने अपने रिश्तेदारों के बारे में सबके ही अच्छे होते हैं नहीं नहीं आपके ज्यादा कैटेगरी के होते हैं सबके वो कहता नहीं दाग तो अच्छे होते हैं उनको पता है रिश्तेदारों की बात है ये कैसे भाग गए ये ब्लॉग का हिस्सा काट दो बाद में कॉलें आ जानी है मुझे किसी की परवाह उस टाइम उस टाइम तो मुझे बिठा के बंद कर दिए चवल पुना तू क्या करता है वीडियोस बनाता है ये करता है उस वक्त इतना आम नहीं था नहीं पता था नहीं पता था वैसे वैसे मजे की बात है मैंने तब भी नहीं सुनी थी मैं तब नहीं इसकी खाला तो अभी भी वही कहती हैं तो सरगोदा वाली वो कहती हैं जब लोगों को पता नहीं था इसने लोगों को कैमरे पकड़ाने दिखा दिए सिखा दिए अब ब्लॉगिंग हलाल हो गई उनके लिए जो कहते थे हराम है अब वो करती हैं और जेबी ने छोड़ दी अपने बच्चे करते हैं हां तब भी ना वो हलाल होगी ये हराम होगी हां तो फिर था ये क्या कंजर खाना शुरू कर लिया अब उनके अपने बच्चे वीडियोस बनाते हैं मेरी बात सुनो जेबी तुम ये नहीं कह सकते ये कोई ब्लॉग उठा के देख लो पुराना जिसमें अबू हूँ मैं तुम्हारे साथ हर जगह हूँ मैं तो थी पर जारी बात है तब ये था कि अबू की फैमिली का बहुत कंट्रोल था हमारे घर पे मतलब फिर भी मैं फिर भी देखो मेरे कोई 200-300 व्लॉग हैं फिर भी मैं व्लॉग्स बनाता था मैं कहता ठीक है भाई होता रहे जिसको मसला मैं भी ये कहती थी जिसको मसला रहे मैं तो अपने बेटे के साथ बनाऊंगी लेकिन ऑपोजिट मुल्क साथ-साथ चल रहे हैं छोटा सा बच्चा अबू जल्दी नीचे के हम फैमिली ट्रिप पे जा रहे थे हमजा गोचू
मैं और मेरी छोटी बहन डिग्गी में से It's very nice, like a mountain and all that stuff. Yeah, yeah, it's so very like that. Yeah. खड़ी होती थी उसमें सात सीटें. Seven सीटर थी. और उसके अंदर सात सीटें होती थी. जब भी जाते थे सारे इस तरह कट्टे जाते थे. अबू कितने जवान थे? अम्मी आ रही अम्मी ना उस टाइम पे मतलब इतना बोलती चलती नहीं थी. तमसा क्या कह रहे हैं? इतना चुप करके अब्बू के पीछे पीछे चलती आ रही है हूं अब चल अगे लग तू जुत्ती देख ले बदतमीजा मैं अब्बू को कहती हूँ तो तू चलो अगे वैसे इतने मासूम से ऐसे चलती भी जा रही है मैं मुझे तो कुछ पता ही नहीं दुनिया का मैं कभी ये फेस रिवील कभी हो गया तो कभी दिखाएंगे आपको ये वीडियोस अम्मी कैसे गुबलू गुबलू उस टाइम तब इंसुलिन नहीं शुरू की थी ना तो वो बैठ गई है किधर बैठ Hey guys, what's up? How are you guys? I hope you guys are having an amazing day. And if you're not, then make sure you're amazing. Welcome back. Ego, same intro. What we gonna do today, baby? What we gonna do? We're gonna do a challenge video. Challenge. इसको दौड़ा पड़ गया. We have to like, oh, I'm saying V, right? अभी मेरी बहन आ जाएगी उसका मेकअप किया था मैंने मुझे खुद भी पता कब आएगी तब भी मैं सेलेना गोमेज़ पे क्रश करता था मतलब हर वीडियो डाल देता था उसमें हाँ वी डोंट हैव टू सिंग द सॉन्ग ये चैलेंज था लोग अब करते हैं तू पहले ये कर चुका है सारा कुछ इसलिए अब मैं इंसान बन गया हां वही ना जैसे तू कर रहा है रोले डाल रहा लोग अब रोले डाल के मशहूर हो गए तू अब सीरियस हो गया अच्छा से जो मिली है सब संग चले सब रंग चले चलते रहे हम सदा छूटे हाय मेरा बूबे चलते रहे हम सदा क्या था अगर मैं इजाजत नहीं देता था तो मैं क्यों आया था वीडियो में ये जनाब ये कोई उससे ये उसके दो तीन साल बाद की सात साल पहले की एक साल बाद की हाँ तो एक साल वीडियोस बनाने के बाद आप आना शुरू तुमने छोड़ी क्यों थी भाई ऐसे ही दिल बढ़ गया था गाइस मेरी बात सुनो अगर आप लोग डिटेल में ना डिटेल में पूरा चाहते हो कि हम लोग काफ़ी सारी वीडियोस बैठे देखें इकट्ठे और रिएक्शन दें पुरानी वीडियोस पे तो इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करो कमेंट्स करो और बताओ कि आप लोगों को वो चीज़ चाहिए तो फिर इंशाल्लाह एक दिन बैठ के डिटेल में आपको सारी पुरानी वीडियोस का रिएक्शन देंगे बहुत है मेरे पास कोई 300-400-500 वीडियोस पड़ी हुई हैं पिछले 7-8-9 साल पहले की तो अम्मा जान इधर क्या कर रही हैं क्या करूँगी पौधों को देख रही हूँ जो जल सड़ गए हैं पौधों को देखूँ दूसरी चीज़ों को देखो जिस तरफ जाती हूँ महीना हो गया मुझे आए हुए देखो पौधों का हाल सारे जल मार गए हैं अब मैंने कहा इन्हें गोडी करूँ तो जो जले हुए हैं उन्हें निकाल के कोई नए ले आके लगाऊँ क्या करें अभी अम्मा जान पौधों की गोडी कर रही है और अम्मा जान को इस वक्त शदीद गुस्सा चढ़ा हुआ है क्योंकि उनके पौधे काफ़ी ख़राब हो गए थे जब हम पाकिस्तान गए थे तो जल गए हैं सारे जल गए कोई जो देखो जो बेचारे हैं अंदर से यानी के पत्ते जल गए हैं पानी नहीं किसी ने डाला सारी कटिंग की है अभी भी उनका कोई मुंह सिर नहीं निकला अब सारे जले पड़े हैं क्या करूं अब सारे नए लगाने पड़ेंगे अगर आपको पता हो कि अम्मा जान का पहला प्यार ही उनका उनके पौधे हैं ठीक है भाई तो मतलब पौधे शौधे जल गए हैं तो मतलब अम्मा का टेम्परेचर इज 100% हाई उनको सब पे गुस्सा है इस वक्त तो इस वक्त थोड़ा दूर दूर ही रहना बेहतर है ये ना हो गए पौधों के चक्कर में व्लॉग हमारी क्लास हो जाए भाई ठीक है पौधे हैं हम भाई आप करें गोडी मैं आपको बाद में मिलता हूँ ठीक है
आप कर ले आराम से भाई, है गुस्सा मेरे पे निकल आना है, गुस्सा किसी और चीज का होगा मेरे पे निकल आएगा। बात तो सही है। Two hours later. ये आपको नजर आ रहा है गाइस, ये सब आपको नजर आ रहे है। पहले पौधों की उधर सही करती नहीं है, उसके बाद मास्क वो उतार के गमले पे रखे है ना। तो मैं क्या आपका मास्क मैं रखता हूँ? हाँ, मैंने रखा है क्योंकि आता नहीं, मैं टेरेस धो रही थी, वो जो कोको रखा हुआ है उसका से आपा गांधी इतना भाई कोको का बंदोबस्त कर दिया मैंने। और बताएं इतना और बताएं वो टेरेस की है लो। मैंने कोको का बंदोबस्त कर दिया, कोको हमारे घर में कुछ दिनों का मेहमान है बस। अल्लाह दे वाले भाई, मैंने क्या कहा था नहीं ये संभाल, जैसे मुझे रोज कहते थे मुर्गियां रखने दो, इसलिए मैं नहीं रखने देती, अजाब मेरे सर पे पड़ जाता है। फिर नहीं बस कोको का बंदोबस्त हो गया, कोको कुछ दिनों का मेहमान है, अगले घर जा रहे हैं। काफी टाइम हो गया हमारे पास उसको, तकरीबन साल होने वाले, नहीं ज्यादा तो नहीं हुआ, साल होने वाले। तो हमारे पास काफी टाइम हो गया, इसीलिए उसका बंदोबस्त कर दिया हमने, वो अगले घर जा रहे हैं अब। और क्योंकि हम उसको इतना टाइम नहीं दे पा रहे अब जितना पहले दे सकते थे, अब नहीं दे पा रहे। अम्मा जान यहाँ पे लगी हुई है सफाइयों में, मतलब अपने लगी हुई है, सुबह हो गए तो सफाई करते रहो, जब दिल करे सफाई कर लो, पानी जाया कर लो, जो मर्जी कर लो, कोई मसला ही नहीं है। हाँ ऐसे ही है क्या? अच्छा मैंने तो लॉन्च धोया है, टेरेस धोया है, सब मैंने मास्क मुंह पे रखा है। और मैंने तो क्यों रखा है, टूट के मैंने क्या रखे? ये देखें जी कुकिंग विद अम्मी, क्या हाल है अम्मी? ठीक है, खैरियत से हैं, खुश हैं? और सुनाए आज क्या हो रहा है, आज कोई बताएं, कोई मज़े की बात बताएं। आज बोल नहीं रही अम्मी आप, अम्मा जान। पछता दे अम्मा, बोल दी हाय 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 बस पछताओ दे। भाई मैं दो तीन दिन से एक चीज़ देख रहा हूँ वीडियो के अंदर, काफ़ी लोगों को मसला हो रहा है भाई, हर वक्त मतलब आप कैमरा अपने अपने पे ही रखते हो, कोई मुझे सेंस नहीं समझ आ रही। डू यू गाइस अंडरस्टैंड कि ये व्लॉगिंग है, मतलब आपको समझ आता है कि ये व्लॉगिंग है? अगर मैं आप बोल रहा हूँ तो मैं अपने पे ही कैमरा रखूँगा इस तरह तो वीडियो बनाने से रहा। हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, आप लोगों का दिमाग ख़राब है? चीजें दिखाते रहते हैं, खुद नहीं आते भाई, लोग करते होंगे मुझे नहीं पता, जो ब्लॉगिंग होती है अगर मैं ब्लॉग कर रहा हूँ चीजें आपने देख रही है तो आप वैसे भी अपनी जिंदगी में देखते रहते हो। ठीक है, अगर मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं तो कैमरा अपने पे रखूंगा ना, इसका ये जी मतलब मेरे को समझ नहीं आती। दो तीन दिन से मैं देख रहा था कमेंट्स में ये चीज चल रही है, तो मैं कहा चलो इसको जरा क्लैरिफाई कर दें। जिन जो कुछ नहीं कर सकते ना, वो बह के घर बातें करना बड़ा आसान है, काम करना बड़ा मुश्किल है। सारे बनाते हैं, अपने पे ही रखते हैं, अपने पे ही रखते हैं, सारी बात है। बेल पे जेबी, बेल पे पौधा रखा, ऐसे ऐसे व्लॉग करते हैं। मैं और आप बातें करते हैं, मैं बातें कर रही हूं। नहीं हम, तुम लोग बेल देखो भाई। नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, जिंदगी बहुत अजीब चल रही है, आप बताएं कैसे चल रही है। मैं कहती हूँ जिन्हें एल कोको का नहीं ना पता, वो उठ के ना टांग खींचने लग जाते हैं। मैं तो बहुत बताएं, अच्छी बात ली, ठीक है? नहीं इस तरह ठीक है व्लॉग। बंदा दूसरा देखे वो कहे बेल बोल रही है, कौन बोल रहा है, किधर से आवाज आ रही है भाई? देखो जिस वक्त अम्मी ने मास्क पहना होता है, जब अम्मी बोलती है अम्मी पे करते, जब मास्क नहीं पहना होता फिर मैं अपने पे रखता हूँ, क्योंकि जारी बात है अभी ने मास्क नहीं पहना हुआ तो मास्क के बगैर तो आती नहीं है। अब ये अम्मी इसको मार रही है, मैं इस पे कर दूंगा। कर दो, जे भी बोल रहे लोग कहेंगे जे भी बोल रहे मार कौन रहे। अब ये अम्मी इधर बैठी है, मैं अम्मी पे कैमरा करूंगा ना। बंदा है ना जिसका कोई कारोबार नहीं, कोई बिजनेस, उसके पास सबसे बेस्ट आइडिया, मतलब उसके पास जिंदगी में नाकामी क्या उसने कभी कदम ही नहीं उठाया। और अच्छा ये चीज आपने कभी नोटिस, वो ऐसे ऐसे मशवरे देगा कभी इससे बड़ा भाई, तू इंज कर ए बिजनेस कर, तेनू ए फायदा है भाई। आपने कभी नहीं, बंदा फिर पूछे आपने किया? नहीं मैं नहीं किया, पर मैं पता है। हाँ, पता है, मैं घर बह के टीवी पे देखना, जैसे टीवी से देख के बंदा यूट्यूब से देख के लोग जमींदारा करना शुरू कर। अब जो हमारे बाप दादा का तजर्बा है या हमारे भाइयों का है या बाप दादा का है, वो आम यूट्यूबरों का तो नहीं ना, जो सब्जी इसमें लगाएंगे ट्रे में या कुछ है एक बात है, वो और बात होती है। जो मरबू के हिसाब से चीजें लगाएंगे उनका और तजर्बा है। बात तो सही है। भाई मुझे पानी में कोई चीज जाने की आवाज आई है। ये क्या कर रहे हैं? स्विमिंग जाए ना आगे। उसने ऊपर तक मार दिया सर। नहीं नहीं आगे जाए, वो उधर तक उधर भी जाने, उसने ऊपर तक मार दिया सर।
तो क्या हुआ जहाँ तक अभी अभी तो पाँव लग रहे हैं आपके आगे जाएं। नहीं भाई, चले स्विमिंग करें। अच्छा स्विमिंग करें तो स्विमिंग देखना। बस इतनी सी, उधर से इधर, इधर से उधर, इससे ज़्यादा नहीं स्विमिंग। वाह इतनी ज़्यादा इतनी आती है। वो उधर देखें उनकी छोटी छोटी बच्चियाँ जंपे मार रही हैं। हमने सीखी नहीं। आगे जाएं, आज आगे जाएं, ज़रा आगे जाएं, आगे आगे एंड तक। एंड तक नहीं जाने। जाओ तो सही, कितना जा सकते हैं भाई, इससे ज़्यादा नहीं जाने होगा। कुछ भी नहीं होता। ये देख अब मेरे पाँव उठना शुरू हो गए। अभी मेरे इधर बरसा के साइन पर नहीं उठते। आगे जाएं थोड़ा सा, पानी उसने ज़्यादा भर दिया ना। अब फुल पाँव नीचे ले जाएं, फ्लोटिंग कर लें। ये देख। इतने पानी। अम्मी अम्मी इधर है, इधर है, इधर है, इधर है। आपको एक बड़ी अच्छी चीज़, मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। इधर है, इधर इधर है। जब और कोई काम ना हो फिर यही होता। अभी तो कमरे में थे नीचे। मुझे एकदम पानी में कोई चीज़ गिरने की आवाज़ आई है, बाहर आके देखा। अबू गिर नहीं सकते जनाब, वो तो सीढ़ियाँ से उतर उतर के गए होंगे। जम मार के अंदर गए हैं। कभी भी नहीं होना आने मारे। दोबारा जम मार के दिखाएं जरा। इनको यकीन आना है कोई हम पे। मार के दिखाएं ना, दिखाएं ना मार के। और नाल वाले मार लिया, इन्हें नहीं मारिया। आवाज आई मेरी जम। हाँ वो यही अमनी हमेशा, क्योंकि साथ वालों के बच्चे मार लेते हैं, ये नहीं जम मार। सीढ़ियों से बैठ बैठ के बस इधर इस लिमिट तक, वो आखिरी इस बटन तक जाते हैं उधर से। ये बटन अबू का आखिरी पॉइंट है। हाँ। ये वाला इधर से इधर है बस, बस ये फ्लोटी। अच्छा हम आए थे ना शुरू शुरू में, हैं पता है हमें क्या कहते थे, मैं समुंदर च जाना सा तो मैं इंज फ्लोट करता रहना सा। कोई मतलब तब जाहिर बात है तब घर में स्विमिंग पूल तो था नहीं, पता नहीं आती भी है नहीं आती उस टाइम। मैं इंज समुंदर च फ्लोट करता रहना सा घंटों घंटों। कर लेता थे। कर लेते थे। अब स्टेमिना नहीं, मेरे से सांस नहीं रोकने होता। हाँ। अच्छा पहले तो बहुत स्टेमिना। आप ये सोचें गाइस, इस डॉट से आगे नहीं जा रहे। सिर्फ यही करते हैं। एक मिनट, इस डॉट से आगे नहीं जा रहे। और मैं ये कहते हैं मैं समंदर में करता था। वो किनारे तक नहीं जाते। ये वो वाइट बटन तक जाएंगे मार के। देख लेना इधर से वापसी हो जाएगी। लगाना है बटन को। बस बस अब ऐसे दीवार पकड़ के जाएंगे जैसे बच्चे। फिर भी नहीं जाएंगे, आप देख लेना पूरा नहीं जाएंगे। नहीं अब लोगों को दिखाने के लिए चले जाएंगे। ये लो। नहीं इस कोने में आए ना, इसमें मिड में आए, मिड में हाथ छोड़ के आए ना उधर। क्या ये तो पकड़ के अंधा भी चल सकता है। आप छोड़ दें हाथ, आप छोड़ दें हाथ, हमें डूब भी ना जाएंगे। नहीं छोड़ेंगे अभी भी नहीं देखे। हाँ छोड़े हैं, बड़े टेक तो दी हुई है ना हाथों को। हाथ अंदर हो ना, पानी के अंदर हो हाथ। हाथ अंदर ही थे जी। नहीं हाथ दोनों छोड़े ना, नॉर्मल नीचे छोड़ दे, अंदर छोड़े ना। डूबे तो मैं आ जाऊंगा, बचा लूंगा दो मिनट। पानी के अंदर छोड़े ना। मैं डूब ही ना जाऊं। कोई नहीं होगी बच्चों की तरह। मैं क्या बनेगा मुझे बताएं। अब क्या बनना है, मगरब होगी या बन गया जो बने। ये स्विमिंग हो रही है। आप मेरे पांव लगे। इधर आके हाथ छोड़े, इधर हाथ छोड़ना, इतने ही शेर ने इतने बार दिया उसने। पर वो जैसे आज कर रहा था हाथ पीछे बांध के, जाहिर सारे इधर से उधर तक जा रहा था, उधर से इधर इतना लंबा सांस ले। कौन हमजा उस टाइम ने ना, मेरे से सांस नहीं रोकने होता। पेट बहुत बड़ा है ना, पेट के अंदर सांस नहीं रुकता। तो ये इधर से देखो ना, तोप कितनी है नजर आ रही इधर है। हाँ नजर आ रही है, पानी से नजर आ रही। तुम्हारी नजर है, तैनक लगी दूसरों को नहीं लगी। अच्छा भाई अक्सर लोग ना मेरे से पूछते हैं कि छोटे टाउन में रहने के नुकसानात क्या हैं। वन ऑफ द नुकसानात है इसके 10 बजे के बाद हार्डली कुछ ओपन मिलता है। सो 10 बजे से पहले पहले जो भी आपको चाहिए उस दिन के लिए, तो वो आपको पहले ही लेना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद एक दो शॉप्स खुली होंगी वो पाकिस्तानियों की होती हैं, वो डबल से ट्रिपल चार्ज करते हैं उस चीज़ के लिए जो। तो खैर एनीवेज एक दो चीज़ें लेनी थी, वो लेने जा रहे हैं हम लिटल पे। लेट्स गो। और गैस व्हाट, टाइम हमारे पास आधा घंटा बच गया बस।
लो भाई हम लोग आ गए हैं लिटल पे। चलो भाई जो चीज़ें लेनी थी वो ले ली। आए लेट्स गो घर चलते हैं। आए अच्छा भाई घर आ गए वापस। हाँ जी मैं जान। हाँ जी भी गुस्सा ठंडा हुआ है सुबह का? गुस्सा ठंडा हो गया जैसे जैसे शाम होती है गुस्सा ठंडा हो जाता। माए ऐसे ही है क्या करें, फिर गुस्सा करेंगी तो करेंगी घर वालों पे ही, क्या करें। सही बात तुम लोग तो निकल जाते हो सारे। तुम लोग क्या, मैं गेहूँ मैं घर हूँ। नहीं मतलब जो बच्चों को गुस्सा आता है तो वो गाड़ी लेके निकल गए, फिर आए तो गुस्सा ठंडा, हम फिर क्या करें। हमने तो घर ही गुस्सा निकालना काम करते हुए सारा घर धो दिया था उधर से इधर से। मैंने तो आपको दो बार ऑफर किया आप खुद नहीं गई, ये ना बोले। नहीं मेरा दिल ही नहीं था बाहर जाने। मैंने पहले ऑफर कराई, मैं कहा चलें बाहर डिनर कर आते हैं, कहती है नहीं। फिर मैंने कहा चलें कहीं बाहर चलते हैं, कहती है नहीं। सुबह जाएंगे, सुबह जाएंगे, सुबह। हाँ सुबह जाएंगे, अभी नहीं, अभी नहीं। मैंने अभी जाना था नमाज पढ़ने लगे थे, मैंने कहा नहा के नमाज पढ़ूँ ईशा की, तो तूने कहा था अभी एंड करना है, तो फिर मैं तेरा इंतज़ार कर रही थी कि गर्मी इतनी है सुबह शाम ना हो। तब भी एक तो गर्मियों में ये बड़ा काम दो दो दफ़ा नहाना पड़ता है गर्मी में, गर्मी भी बहुत। भाई हम तो एक बार नहाते हैं वही बहुत होता है, सुबह नहाते हैं रात तक निकल जाते हैं। किचन में जाओ ना तो फिर पता चलता है, जब पसीना आता है ना फिर अपने आप से स्मेल आती है बंदे। ये बात है। ये रोटियां बनाओ, आटा गूंदो, आटा तो खैर ये इन्हें नई लाइटें लगा ली, पहले नहीं लगी हुई थी ना, लगी थी ऑन कभी करते हैं। मैंने कहा भी था इसके अंदर लाइट, कह रहे बाजी ये इसका कनेक्शन ही नहीं, कनेक्शन तो कहीं होगा, कहीं ना कहीं तो होगा लाजमी, ये तो नहीं हो सकता ना कहना जान छुड़वाते हैं। कोई स्पेनिश होता है उसने ढूंढा अंकल गा ही जाना भाई, ना भी होता इधर से तू वायर देख किधर जा रही है, वहां से निकाल के वायर देख और कहीं कनेक्शन कर दे कि भाई वो बल्ब लगाया इसमें तो वो सही नहीं लगा। करेंगे कुछ। हाँ जब पेंट मुश्किल है कुछ हो इधर, अब पेंट का डब्बा दो हफ्तों से तीन से पड़ा है वो नहीं हुआ, कल ट्राई करेंगे पेंट करने की, जो पेंट जहाँ करना है वो करेंगे। अबे वैसे एक बात है, दिन के टाइम तो बड़ा अच्छा भी होता है, रात के टाइम में तो देखो अंधेरा ही अंधेरा, रात को वो ही। अगर ये आपको जो पियानो या म्यूजिक का शोर आ रहा है ये कोई मेरे ख्याल से बैठ के बजा रहे हैं, सुन रहे। तू कह रहा मूवी, लेकिन मुझे तो लगता है कोई पियानो बजा रहा है, गा तो नहीं रहा ना, मूवी लगी हुई। पर ये मूवी में यही चल रहा है उस वक्त का, ऐसे ही पियानो और गाना ही है वो तो, गाने सुन रहा होगा ना, सैड इमोशनल गाने सुन रहा होगा। हाँ वो बेचारा हमारी तरह थका होगा ना, हुनर है ना जिसको जो आता है वो कर। नहीं पर मुझे लगता है टीवी पे हुनर नहीं है, कोई गा नहीं रहा इधर। चलो जाए उसके घर जाके देख के आते हैं। चलो 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 मेरे ख्याल से ये सामने वाले घर में, ये साथ वाली, ये वाला नहीं उससे भी मूवी है। देखा इतने ज्यादा इंस्ट्रूमेंट एक साथ कैसे बजा सकते हैं। हाँ ये तो देखो कितना सुकून है, कोई शोर नहीं कुछ नहीं, ये सुकून अच्छा लगता है। पर कभी कभी ये सुकून जो है ना दिमाग को खाता है, ये पाकिस्तान याद आता है शोर शराबे रोल ले। मैं बार्सिलोना चलते हैं उधर रह लेते हैं, क्या आपको सुकून मिलेगा। मैं कहता हूँ आप नीचे उतरेंगे हर कोई, बहन जी बाजी जी की हाल है ठीक हो, इतना भी नहीं चाहिए। उधर घर भी छोटे हैं, रौला भी बड़े हैं, वैसे भी वो जो रहते हैं ना दूसरे लोग जैसे बदलोना में, वो सारे चोर डाकू ही होते हैं जो दूसरे अमेरिकन है, साउथ अमेरिकन है, खेतानो, वो बहुत लड़ाइयाँ करते हैं, रोले बहुत होते हैं उनकी, तो औरतें भी गालियाँ निकालती हैं। वो सही पागल है, सही पागल है। चलो गाइस उसी के साथ, सुन तो नहीं रहा होगा ना, सुन नो मानने, हमारी बात ही नहीं समझ आएगी ना उनको, इसलिए चलो भाई उसी के साथ, क्योंकि अगली दफा हमने पहली को फिर जाना बदलो ना। चलो भाई उसी के साथ टाइम हो जाता है ये ब्लॉग एंड करने का। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो क्या करना है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स में फैमिली में वीडियो को शेयर करें, यही आपका प्यार मोहब्बत होता है। और आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, कल वाले ब्लॉग पे बहुत कमेंट्स आए हैं, बहुत अच्छा लगा है। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें हमारे साथ। अच्छा यार बात बात ऐसे करना जरूरी, मैं काम करती हूँ तू कर रहा है, तेरी नकल कर रही हूँ, बहुत अच्छा लगा है। अपना भाव दर्द निकल जाए।
इतना भी अच्छा नहीं लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम आपको मिलेंगे कल एक नए मजेदार अमेजिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अस्ताला विस्ता, अल्लाह हाफिज़, अलस्ता वलस्ता, अपना रास्ता, अपना रास्ता। स्पेनिशों को समझ आ गई, इसकी अम्मा को समझ नहीं आई। वो देखा था जो वीडियो में डाले, कल के डाला था क्या, वो जो तेरी नकल उतार रहे हैं स्पेनिश डाला डाला वही ना, उन्हें समझ आ गई, अम्मा को नहीं आई।